पहले कांच के ऑफिस टाइप लगे घर सब। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के बाद जब प्राथमिक विद्यालयों को खोला गया है तो उन लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि विद्यालय में बच्चे और अध्यापक किस तरीके से रहेंगे और कौन कौन सी गाइडलाइंस का पालन करेंगे। इसको लेकर एक ट्रेनिंग सेशन भी चलाया गया, जिस ट्रेनिंग सेशन में प्राथमिक स्तर के सभी प्रधान अध्यापकों सहित सहायक अध्यापकों और शिक्षा मित्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षा मित्रों से लेकर अध्यापकों और बच्चों को ये बताया गया कि किस तरीके से उन्हें ऐसे कोरोना काल के बाद स्कूल में आचरण करना है और कौन कौन सी गाइडलाइंस का पालन करना है। इसका जब समापन हुआ तो खंड शिक्षा अधिकारी भारत भूषण इसके समापन के मौके पर पहुंचे। ये जो कार्यक्रम है ये आधारशिला क्रियान्वयन मॉड्यूल का कार्यक्रम है, जिसमें पूरे विकास खंड को प्रेरक विकास खंड बनाने के लिए मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ट्रेनिंग चलाई जा रही है। इसमें जो पहले 100 दिन का कार्यक्रम है वो टीचर्स को बताया गया है कि कैसे बच्चों का बेसलाइन सर्वेक्षण करना है और कैसे उन्हें जो पिछले कोरोना काल में स्कूल बंद रहे तो कैसे उन्हें बच्चों को वर्तमान अधिगम स्तर तक लाना है। इस तरह का ये ट्रेनिंग यहाँ 2 दिवसीय दी गई और आज इस ट्रेनिंग का ये अंतिम दिन है। सभी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने ये ट्रेनिंग प्राप्त कर ली। आज का जो कार्यक्रम है हमारा, वो ट्रेनिंग हमारी 22 तारीख से स्टार्ट हुई थी और हमारे जितने भी प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक हैं और प्रधान अध्यापक हैं उनको मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो हमारा भी समृद्ध मॉड्यूल चलेगा, MBBS कैंपेन चलेगा और हमारे जो बच्चे कोरोना के टाइम पे स्कूल नहीं आए उनको कैसे अधिगम स्तर तक हम लाएंगे, कैसे जो लर्निंग गैप हो गया है, कब बढ़ गया है, उसको कैसे कम करेंगे, उसके लिए हमारे सभी अध्यापकों को ट्रेन किया गया है, बताया गया है कि कैसे कैसे वो हमारा एक कल्याण संदर्शिका है उसको कैसे लागू करेंगे और उसको कैसे समय सारणी के साथ लेकर वो चलेंगे, जिससे कि हम जो हमारा मिशन प्रेरणा है उसको पूरा कर पाए और अपने ब्लॉक को, अपने जनपद को और अपने प्रदेश को प्रेरक बना पाए। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार अपने स्तर पर हर काम कर रही है और अब जब कोरोना काल के बाद स्कूलों को खोला गया है तो बच्चों से लेकर अध्यापकों को तमाम गाइडलाइंस के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसका व्यापक असर भी देखा जाएगा। मेरठ से राजन सोनकर, टीम एन भारत।